गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तारीख है 21 नवंबर 2022 और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत, हमारा कंट्री इंडिया, हमारा प्यारा भारत बेहिसाब पैसा छाप के क्यों गरीबी दूर नहीं कर लेता। पैसे छापो, प्रिंटिंग प्रेस तो अपनी है ही, इंक भी अपना है, कौन मना कर रहा है। हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कई जगह पर हैं। नोट छापो, गरीबों में बांट दो, सबको अमीर बना दो और देश से गरीबी दूर करो। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं करता? इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट जो है इस दुनिया में, ये कभी नहीं कर सकता। जब इंडिया रशिया का जो विदेश व्यापार वाली टॉपिक में मैंने ये बोला था, एक बार आपको बताया था कि आप ये पूछ सकते हैं कि सर, इंडिया जो है, इंडिया को अपना कर्जा उतारना ही है तो अपने रुपये छाप के क्यों नहीं रशिया को दे देता। मैंने कहा था बेहिसाब पैसा कोई भी कंट्री छाप नहीं सकता। 5 मिनट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इंडिया या कोई भी देश क्यों अपने हिसाब से अनलिमिटेड पैसा छाप के लोगों में बांट नहीं सकता और गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकता। गरीबी दूर करने का ये तरीका क्यों नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक हाइपोथेटिकल कंट्री मान के चलिए, उस देश का नाम है कुनासिया, कंट्री का नाम कुनासिया है। उस कंट्री में 3 लोग रहते हैं, ए, बी और सी। उस कंट्री में 3 लोग रहते हैं, ए, बी और सी। उस कंट्री में ए के पास 30 रुपये है, ₹30, बी के पास ₹20 है, सी के पास ₹10 है। और उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 6 किलो चावल ही है, 6 kg राइस ही है। यानी कि अगर इन तीनों को पैसा खर्चना है तो वो अपने पैसा सिर्फ चावल खरीदने में ही खर्च कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उस कंट्री का जीडीपी जो है, जीडीपी का मतलब आप सब जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना जीडीपी है। इंडिया का जीडीपी भी काफ़ी अभी ठीक ठाक सा है, $3.5 trillion है। अमेरिका का जीडीपी $23 trillion है। सेकंड में जो जीडीपी चाइना का आता है, ठीक है, हमें उससे अभी कंसर्न नहीं है। तो उस कंट्री का जीडीपी मान के चलिए 6 किलो राइस है और लोगों के पास है 30 रुपये 20 रुपये 10 रुपये, यानी कि टोटल इन लोगों के पास है 60 रुपये। और इनको खर्चा करना 60 रुपये जो है चावल खरीदने के लिए, 6 किलो चावल खरीदने के लिए। इसका मतलब होता है कि 60 रुपये में 6 किलो चावल खरीदा जा सकता है, तो 1 किलो चावल की क्या कीमत होगी। इसका मतलब होता है कि 1 किलो टोटल पैसा 60 रुपये, टोटल रुपये चीज़ें हैं 6 किलो चावल, तो 1 किलो चावल की कीमत कितनी हो गई आप खुद ही बता दो, 10 रुपये, 10 रुपये पर केजी। इस हिसाब से अगर इकोनॉमी में 60 रुपीज़ है तो ₹10 पर केजी, 10 रुपये पर केजी। ठीक है, क्योंकि उनकी वो इकोनॉमी का जीडीपी जो है 6 किलो राइस है। अब इनमें से जो है कोई एक इंटेलिजेंट बंदा था, ठीक है, अब वो इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि क्यों ना हम कहीं से एक प्रिंटिंग प्रेस का जुगाड़ करते या कुछ भी करते और अपना पैसा डबल कर लेते। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया और अपना पैसा जो है डबल कर दिया। अब जो है ए के पास आ गया है 60, बी के पास आ गया है 40 और सी के पास आ गया है 20। यानी कि टोटल पैसा जो है कुनासिया में अभी जो टोटल पैसा है 120 रुपये। ठीक है, लेकिन वहां का जो जीडीपी है वही है 6 किलो चावल। ठीक है, अब जो है आप खुद ही दिमाग लगा के बता दो कि 1 किलो चावल की कितनी होगी कीमत। क्योंकि पैसे खर्च करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 किलो चावल में ही खर्च करने, क्योंकि 6 किलो चावल ही उनकी जीडीपी है और टोटल पैसा जो है उनकी इकोनॉमी में कुनासिया कंट्री में अभी 120 रुपये है। तो अभी उनकी 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी बता दीजिए। 1 किलो चावल की अभी होगी कीमत 20 रुपये, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, पहले थी 10 रुपये पर किलो, अब है 20 रुपये पर किलो। उसी तरह से जैसे जैसे ये लोग एक्स्ट्रा पैसा इनके पास आता रहेगा, वैसे वैसे चीज़ों की रेट बढ़ती ही जाएगी, चावल की रेट बढ़ती जाएगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन।
इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, चीज़ों का रेट बढ़ना, महंगाई दर बढ़ना, कॉस्ट बढ़ना, हो गया इन्फ्लेशन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए बताया कि लोगों को फ्री में पैसा दे के, गरीब को अमीर बना के आप गरीबी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री का जीडीपी जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये एक कारण है जिसके कारण कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बेहिसाब पैसा जो है छाप के लोगों में बांट नहीं सकता। तो फिर कंट्री को गरीबी से निकालने के लिए बाहर क्या करना चाहिए? कंट्री को यही करना चाहिए कि हमारी हमेशा कोशिश इस चीज़ पे रहती है, सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की किसी भी कंट्री का जो है आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का किसी भी कंट्री को, वो उसका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, आप लोगों की अगर कमाई बढ़ते भी जाए तो ये एक बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, तराजू है ना, वेइंग मशीन, मतलब तराजू, तराजू में एक तरफ मान लीजिए जो है इनकम और एक तरफ मान लीजिए जीडीपी, ये दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए, तराजू बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर इनकम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, इनकम अगर बहुत ज़्यादा हो गया, जीडीपी उतना ही रहा, तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको समझ में आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों में पैसा बांट देने से, फ्री में पैसा दे देने से गरीबी को हटाया नहीं जा सकता। सरकार को जीडीपी पे फोकस करना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए हमारे, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही वही है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। पूरे हमारे जो अर्थव्यवस्था में गुड्स, चीज़ें और सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुई, वही जीडीपी है। हमें अपने जीडीपी को बढ़ाते रहना है, 3.5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन, 4 से 4.5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, ये बोलना आसान है, ये करना मुश्किल है। हमें मेहनत करना होगा, वी हैव टू वर्क एंड अर्न मनी, मेहनत करना है और पैसा कमाना। फ्री में चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। जिस कंट्री ने भी ये कोशिश किया वो कंट्री तहस नहस हो गया। आप पूछोगे कौन सा कंट्री सर ऐसा किया, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी ने यह करने की कोशिश की, बेहिसाब नोट छाप दिया जर्मनी ने, जर्मन मार्क की वैल्यू बिल्कुल गिर गई, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया जर्मन मार्क को, उनके अपने लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी नीचे गिर गई। ठंड में लोग जो है लकड़ियां खरीदना बंद कर दिए, उन नोट को जला जला के आग तेपने लगे, क्योंकि लकड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई। इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। उसी तरह दूसरी कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री जिम्बाब्वे, अरे उनकी इन्फ्लेशन की तो बात ही छोड़ दो, जिम्बाब्वे की हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। इस टॉपिक पर मैं किसी और दिन बताऊंगा। और उसी तरह जो है ये जो फ्री में देने का पैसा जो है, आप एक वेनेजुएला करके कंट्री, जो आज से ज़्यादा नहीं 40 साल पहले बहुत ही मतलब समृद्ध कंट्री था, वो भी खत्म हो चुका है आज की डेट में। बहुत समृद्ध कंट्री, इंडिया से तो बहुत आगे था वो, ऐसा कैसे खत्म हो गया, इतना डेवलप्ड सा कंट्री था वो। वहाँ पर भी सरकार ने फ्री में ही एक तरह से पैसे दिए, डायरेक्टली फ्री में नहीं दिए, एक तरह से फ्री में पैसे दिए। वो कैसे, मैं किस इसके बाद वाली जो टॉपिक आएगी मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्री के पैसे से गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। सिर्फ इकोनॉमी में पैसा डाल देने से नहीं होता है। पैसे तो आप लोगों की बढ़ा दोगे, पैसे तो आप दे ही दोगे, लेकिन चीज जो है जीडीपी तो उतनी ही रहेगी। यानी कि कम पैसे में भी उतनी ही चीजें खरीद पा रहे थे, पैसे बढ़ गया तो भी उतनी चीज़ें खरीद पा रहे हो, इससे ज़्यादा भी बढ़ गया तो भी उतने ही चीज़ें ही खरीद पा रहे हो। यानी कि चीज़ों की रेट प्रोपोर्शनेटली बढ़ती जा रही है। सिर्फ लोगों को ये बस एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ओ मैं रईस बन गया, मेरे पास पैसा आ गया, नाउ आई एम रिच, ये माइंडसेट से बाहर सब निकल जाइए भाई साहब, चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। दिखाने के लिए रिच क्या फ़ायदा है, जिम्बाब्वे चले जाइए, हर कोई मिलियनेयर है, वहाँ तो ट्रिलियनेयर है, ट्रिलियन डॉलर की उनकी नोट है,
मिलियन की डिनोमिनेशन की उनकी करेंसी नोट है। और आज की डेट में अगर देखिए कि इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में तो अभी कुछ भी नहीं है। कितनी है इन्फ्लेशन इंडिया में? 6.8%। आप इतने परेशान हो जाते हो? गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हैं और गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। हमारे पास अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास दूरदर्शी नेता हैं, हमारे कंट्री को लीड जो कर रहे हैं वो एबल पीपल लीड कर रहे हैं। ऐसे ही हमें नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तुर्की में आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो चुकी है, 85% क्रॉस कर गया है तुर्की में। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट जो है 75-80% आ चुका है। मतलब पिछले साल जो चीज को तुर्की में वो 100 रुपए में खरीदते थे, उनके करेंसी में 100 लीरा में मान के चलिए, आपको जैसे समझाने के लिए 100 रुपये बोल रहा हूँ, इस साल उसी को खरीदने के लिए उनको 185 रुपीज देना पड़ता है। सेम अर्जेंटीना में, तुर्की, अर्जेंटीना, ये सब G20 के मेंबर्स हैं। इंडिया भी है, रशिया भी है, मेक्सिको भी है, ब्राज़ील भी है, कई सारे कंट्रीज हैं G20 में, सऊदी अरब भी है G20 नेशंस में। क्या है तुर्की, क्या है विदेश? आर्थिक नीतियों में अगर प्रॉब्लम आई, फ्री में चीजें देने लगे, वो नेशन कभी टिकेगा नहीं। और वैसे भी हमें फ्री 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 क्यों चाहिए यार? क्यों हमें हर चीज फ्री में चाहिए? क्यों हम मेहनत नहीं कर सकते? व्हाई कैंट वी वर्क? सरकार को बोलोगे कि फ्री में हमें पैसा दो, हर चीज फ्री में दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दो, पानी फ्री दो, बिजली फ्री दो, सब कुछ फ्री दो, फ्री फ्री फ्री, चावल फ्री दो, गेहूं फ्री दो, पैसे नहीं लगते क्या गवर्नमेंट को उसको प्रोक्योर करने के लिए, लेने के लिए? मेहनत करना है हमें, वर्क हार्ड करना है, लेबर करना है, अपने GDP में कंट्रीब्यूशन करना है। एज अ रेस्पॉन्सिबल इंडियन, हमारा हर किसी का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने कुछ कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री के GDP में करें, बेसिक थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना कंट्री में। प्रोडक्शन बढ़ेगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स एंड प्रोड्यूस जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा बढ़ेगा। सिर्फ सिर्फ GDP पे ही नहीं, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है GDP है कि कोई देश कितना रुपया छाप सकता है। यानी कि अगर हमारी GDP जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, तो हम उतना वर्थ का करेंसी नोट्स हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकती है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर का वर्थ का रुपी में नोट्स छाप सकती है। ताकि अगर कल को गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल सा दे रहा हूँ कि भाई आज जो है आप लोगों को सबको जितना जिसके पास पैसा है खर्च कर दो, तो सर्कुलेशन में कितने पैसा इकोनॉमी में? 3.5 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रुपीस है हमारे पास, उतना हमने छाप रखा है। और हमारे पास हमारी GDP कितनी है? 3.5 ट्रिलियन की है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है, हमने जो जो GDP जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और हमारे पास पैसा भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर का वर्थ का करेंसी है, और GDP भी उतना है, यानी कि हम मार्केट के सारा सामान हम खरीद सकते हैं। और सिर्फ पैसे दे देने से, सबको पैसा दे के ना मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये रखिए, यह ध्यान रखिएगा, फ्री में पैसा बांटने से चीज़ों की रेट बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। बिलीव करिएगा, वेनेजुएला में जो है 2% चीज़ों की रेट बढ़ गई थी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप आज जो चाय पीने जाते हैं सुबह कहीं पर किसी होटल में चाय पी लेते, 10 रुपये की चाय आती है, और अचानक से इन्फ्लेशन जो है हो जाता है मतलब 100%, समझ लीजिए कितना होगा वो चाय की कीमत। अब उसी चाय को आप देने के लिए, अब लेने के लिए एक कप चाय को 110 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी 20 रुपीस देना पड़ेगा, 1000% बढ़ जाता है। तो सोचिए इन्फ्लेशन, वही चाय खरीदने में कितना है। हालात तो ये जो वेनेजुएला टाइप की कंट्रीज के ये हो गए थे, एक पीस ब्रेड खरीदने के लिए उनकी मुसीबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से फ्री 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 लिया। वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही हद तक सोशलिज्म की पॉलिसीज को मतलब प्रमोट करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। आज की डेट में हालात बद से बदतर है, बहुत बुरा है, मारपीट चल रही है, लूटमार चल रहा है, वन ऑफ द डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड बन चुका है, जो कि एक जमाने में एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था।
इसीलिए सरकार से फ्री 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 मांगना बंद कीजिए और फोकस कीजिए, खुद मेहनत करें, खुद कमाएं, अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। ये एग्जांपल याद रखिएगा, पैसे बढ़ा देने से कुछ नहीं होता है। अब अगर हम यही ये एग्जांपल में अगर अब इसके जो पास 90 रुपये आ गए, ठीक है, इसके पास 60 रुपये आ गए और इसके पास 30 रुपये आ गए, मतलब अब इन तीनों के पास मिला के कितना हो गया, 180 रुपये। लेकिन चावल कितनी है, वही तो 6 किलो चावल ही है जीडीपी। हम यानी कि हम तो सिर्फ इनके पैसे बढ़ाते जा रहे लोगों के, लेकिन जीडीपी पे कोई फोकस नहीं कर रहे। यानी कि इतने रुपये में, 180 रुपये में अब उतना ही 6 किलो चावल खरीद पाओगे। यानी कि अब चावल की रेट क्या हो जाएगी, 30 रुपये पर किलो हो जाएगी। पहले 10 रुपये किलो थी, फिर 20 रुपये किलो होगी, फिर 30 रुपये किलो होगी। ये है इन्फ्लेशन, सिर्फ पैसा बढ़ाने से नहीं होता। फ्री पैसा दे के सबको अमीर बना दोगे, सब दौड़ने लगेंगे चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा फ्री में आ गया। सबको कार चाहिए, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको दिखाना कि हम अमीर बन गए हैं। चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, इतनी डिमांड बढ़ेगी कि जो है वहाँ पर जो कमोडिटीज़ का प्राइस जो है, जो चीज़ें जब खरीदने जा रहे हो उसको ऑटोमेटिकली जो है सप्लायर जो है मैन्युफैक्चर रेट बढ़ाते जाएगा, क्योंकि पैसे तो सबके पास है। यही चीज़ है, यही आपको समझना है। इसीलिए हमें मेहनत करना है, कमाना है, कंट्री को बारे में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना है माइंड में। हमारी कंट्री हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है और हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।